राजधानी दोहा में सुबह 5:30 बजे का वक्त। रात में काम करने वाले मजदूर लौट रहे हैं और दिन वाले शुरुआत कर रहे हैं। कतर से 2000 मील दूर काठमांडू हवाई अड्डे पर दोहा में जान गंवाने वाले एक नेपाली मजदूर का शव उतारा गया है। यहाँ हर दूसरे दिन एक प्रवासी मजदूर का शव पहुंचता है। कतर में हर दिन किसी न किसी मजदूर की मौत हो जाती है, लेकिन दोहा में काम जारी है। यहाँ स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, रोड और रेल लिंक तैयार करने पर अरबों खर्च किए जा रहे हैं। शहर के केंद्र में बन रहे इस नुशरेप कॉम्प्लेक्स को दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट माना जाता है। फिलीपींस और नेपाल की सरकारों ने कहा है कि उनके देशवासियों को हर महीने 1500 कतरी रियाल की पगार मिलनी चाहिए, यानी करीब 30,000 रुपए। लेकिन ज्यादातर मजदूरों का कहना है कि उन्हें 750 रियाल ही मिल पाते हैं। 750 बचता है, लेकिन इसमें खाने के पैसे चुकाने के बाद मेरे पास 750 रियाल ही आते हैं। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और दवा दारू करानी पड़े तो ये पैसे और कम हो जाते हैं। मुझे अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों को पैसे भेजने होते हैं जो कि कम पड़ते हैं। एक कमरे में 8 मजदूर रहते हैं और उनकी शिकायतें बेशुमार हैं। थली तो जिस वजह से देते हैं, टाइम पर नहीं दे सकता है ना। हमें समय पर पगार भी नहीं मिलती। ठेका कंपनी बताती है कि कंपनी को पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए तनख्वाह में भी देरी हो रही है। कंपनी हमें बचाव के लिए चश्मे और दस्ताने तक नहीं देती। काम करते हुए मेरी उंगली लगभग कट गई थी। न तो मुझे मुआवजा मिला और न ही दवा के पैसे। शुक्रवार की नमाज के बाद जिन मजदूरों को पगार मिल जाती है, वे वेस्टर्न यूनियन के दफ्तर की ओर भागते हैं ताकि पैसे घर भेज सके। देर से पैसे पहुंचने पर परिवार के लोगों को खाने पीने और किराए की दिक्कत हो सकती है और उन्हें कर्ज भी लेना पड़ सकता है। BBC रिपोर्ट।